चलिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं बिहारी बॉय ईशान किशन के बारे में। अच्छा देखो, कल वाले वीडियो में तो हमने आपको दिखाया ही था रिटेंशन लिस्ट, जिसमें बहुत सारे प्लेयर इधर से उधर हो गए थे और ईशान किशन भी इधर से उधर होते हुए पहुंच गए हैं सीएसके में। और अब ये बनेंगे धोनी के यानी कि माही के उत्तराधिकारी। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का एक ऐसा खूबसूरत सा वीडियो जिसको देखने के बाद मेरा दिन बन गया, और लिख के देते हैं आपका भी दिन बन जाएगा। नहीं बने तो यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाना। और ये है छठ पूजा से रिलेटेड वीडियो, जिसमें एक स्कूल में देखिए किस तरीके से पहली बार ये चीज हम देख रहे हैं, किस तरीके से छठ पूजा को लेके गाना गवाया जा रहा है बच्चों से, और बच्चे भी कितना परफेक्ट मार रहे हैं। सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा बिहार के सभी स्कूल में अगर इस तरीके से कराया जाए तो। बताइए, विदेश में छठ के बारे में बात हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में इस चीज का बात हो रहा है, और बिहार में अगर स्कूल में इस तरीके से होने लगे तब हमारा कल्चर बहुत तगड़े तरीके से प्रमोट होगा और बच्चे भी छठ के महत्व को समझ पाएंगे। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के कैंसर को। हाँ, यही है, सब लोग इसका विरोध करते हैं और इसका नाम है स्मार्ट मीटर। आपका भी मूड खराब हो जाता होगा जब इस तरीके का मैसेज आपके मोबाइल में आता होगा कि आपका माइनस में बैलेंस चला गया है और आपका विद्युत आपूर्ति ठप होने वाला है, मतलब लाइट आपका जो है वो कटने वाला है, और हर दो दिन पर मैसेज आ जाता है चाहे आप कितनों रिचार्ज कीजिए। और इस पर सरकार फैसला लेते हुए इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब बिजली नहीं कटेगा, भले आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में क्यों ना चला जाए, क्योंकि मीटर में बहुत ज्यादा त्रुटि है और जब तक ये सारा चीज फिक्स नहीं किया जा सकता है तब तक इस रूल को लागू नहीं किया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म और पैसा कट जाएगा। तो चलिए, ये तो कुछ अच्छा हुआ, मतलब थोड़ा सा इस इलाज का असर तो होगा स्मार्ट मीटर पे। चलिए दोस्त, अब हम आपको मिलवाते हैं हाजीपुर के सांसद महोदय से। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये दीपावली का वीडियो है, और इस वीडियो में कुछ नहीं है, नॉर्मल विशाल के साथ जो है वो चिराग पासवान आते हैं, अच्छा से फोटो खिंचवाते हैं और विशाल पता नहीं ऐसे करके चली जाती है, और उसके बाद से जो ट्रोलिंग शुरू होता है कि ये है सांसद जी हमारे, तो ये है निबियो के क्रॉस, ये है नेशनल क्रॉस, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में ऐसा क्या था। भाई, लिखा हुआ था कैप्शन में ओनली लीजेंड कैन अंडरस्टैंड, अब हमको समझ में आ नहीं रहा है, आप लीजेंड है तो बताइए क्यों इतना ट्रोल हो रहे हैं इस वीडियो को लेके। समझ रहे हो ना। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव को। ये मुंबई में एक शो करने गए थे और सच बता रहे हैं दिलजीत दोसांझ को ये पीछे कर दिए अपने फैन फॉलोइंग के मामले में, और मुंबई पहुंचते ही लोगों ने कुछ इस तरीके से उनका वेलकम किया। पहली नजर में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि खेसारी लाल यादव बिहार के धरती से जाग के बॉम्बे में इस तरीके का बड़ा वाला शो ऑर्गेनाइज किए हैं और इतना ज्यादा भीड़ आया है। लग रहा था कि छापरा, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी जैसे जगहों पे खेसारी लाल यादव खड़ा है, माइक लेके बोल रहे हैं और इतना ज्यादा भीड़ है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव का इतना ज्यादा लोकप्रियता देख के मेरे अंदर एक मस्त वाला आइडिया आया है, और वो आइडिया ये है कि अब खेसारी लाल यादव को भी कंसर्न करना शुरू कर देना चाहिए दिलजीत दोसांझ की तरह। आप देखते हैं ना किस तरीके से पैसा दीजिए, टिकट लीजिए, शो में जाइए और खूब मस्ती कीजिए, इस तरीके से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को, खेसारी लाल यादव को, इन लोगों को ट्रायल बेसिस पे शुरू कर देना चाहिए ताकि भोजपुरी के ऑडियंस को भी विदेशी वाला मजा मिल जाए। कल्पना कीजिए कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के गाने पे कंसर्ट हो रहा है और उसमें लोग पैसे देकर नाच रहे हैं गमछा उड़ा के। खैर, खेसारी लाल यादव इतना ज्यादा तहलका मचा रहे हैं तो इनका गाना ब्लॉक कैसे रह सकता है। कल वाले वीडियो में बताया था ना कि खेसारी लाल यादव के लिए बुरी खबर, इनका गाना डिलीट हो गया है, नहीं उसको फिर से वापस ला दिया गया है, और ट्रेंडिंग स्टार का पावर इतना ज्यादा ट्रेंडिंग वाला था कि फिर से ट्रेंडिंग में आ गया। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में, और सच बता रहे हैं इनका बहुत बड़ा वाला प्लान है आगे चल के, और वो प्लान क्या है आप यहां से जब समझने की कोशिश करोगे तब आपका दिमाग एकदम बूम कर जाएगा एज अ पवन सिंह फैन। सबसे पहले तो आप ये कुछ फोटोग्राफ्स देखो जिसमें ये जनता से मिल रही हैं और उन लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं कि हम आप लोगों के दुख में हैं, भले कोई हो चाहे नहीं हो। इतना ही नहीं, बात करें इंटरव्यू का तो वो साफ कहती हैं कि हम तो पवन सिंह के लिए ही यहाँ पे आए हैं, कल को अगर वोट मांगने भी आए तो हम ही को दे दीजिएगा, क्या कि हम तो पवन सिंह के हैं ना हैं। कुल मिला के पवन सिंह के नाम से और खुद के फेम से भी किसी ऑडियंस को अपने से दूर नहीं करना चाहती हैं, और अपने इंटरव्यू में ये भी बताएं कि बहुत सारे पार्टी से ऑफर आ रहा है लेकिन अभी हम कोई प्लान नहीं किए हैं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसने देखा है।
नहीं नहीं दिमाग देख रहे हो कितना दूर तक सोच रही है ज्योति सिंह, और इस चीज का फायदा भी हो रहा है, आप अपने स्क्रीन पे देख लो। ज्योति सिंह की वजह से इतने सारे लोग थोड़े आ रहे हैं, पवन सिंह की वजह से आ रहे हैं, और ये इस चीज का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जान रही है। इसलिए इतना सारा विवाद होने के बाद भी पवन सिंह के साथ, ये पवन सिंह का साथ छोड़ने के लिए लोगों के बीच में मौजूद नहीं है, और इन सारी चीजों को देखते हुए एक पोस्ट भी करती है। इफ द टीम अप टू गो अगेंस्ट यू जस्ट इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर माई चाइल्ड, और ऐसा महाकाली का कहना है। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, माँ काली कहती है कल्पना करो आप कितने मजबूत हैं कि सारे लोग टीम बना के आपके विरोध में आ रहे हैं। चलिए दोस्त अब बात करते हैं मोदी जी और रशियन गवर्नमेंट के बारे में। इन लोगों ने लगता है टुनटुन यादव के गाने को एकदम सीरियसली ले लिया। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ना टुनटुन यादव एक गाना गाए थे, और गाना कुछ इस प्रकार था, आने तो हमको शासन में रशियन बंटवा देंगे राशन में, मतलब हर महीने जाके वो रशियन लेके आइए राशन में से, अगर टुनटुन यादव बन जाते हैं शासन में आ जाते हैं तो। और ये चीज को सीरियस लेते हुए मोदी जी और रशियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, एक फैसला सुनाते हैं कि चलिए ठीक है जब आप लोग ऐसा मैनुफेस्टो बना ही लिए हैं तो ठीक है रसिया का बीजी फ्री कर देते हैं, आप लोग जाइए और ले के आइए, बीजा उजा का झंझट नहीं। हाँ सच बता रहे हैं दोस्त, भले ये टुनटुन यादव की वजह से ना हुआ हो, लेकिन अगर अब कोई इंसान रसिया जाना चाहेगा तो उसको बीजा का कोई जरूरत नहीं है, ये नियम निकल गया भाई। क्या लगता है टुनटुन यादव ने करा दिया? चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं यूट्यूब का पावर, घर से स्टार बनाने का दम रखता है यूट्यूब, क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। इनको तो आप देखे ही होंगे, रील बनाते हैं, छोटा छोटा कॉमेडी बनाते हैं, और सारा उपलब्धि इनको इनसे ही मिला है, चाहे टीवीएफ में काम करना हो या फिर और बहुत जगह काम करना हो। लेकिन इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब यूट्यूब के वीडियो की वजह से इनको भूल भुलैया में एक्टिंग करने का मौका मिला, और डायरेक्टर साहब ने कहा था कि बस एकदम छोटा सा पार्ट है, 4 दिन का शूट होगा, आके कर दीजिएगा, जिसमें मुश्किल से 1.5 मिनट का आपका सीन फिल्म में दिखाया जाएगा। ये पहुंचते हैं एकदम अपने लव लश्कर के साथ, और वहां पे जब जाके अपना एक्टिंग करना शुरू करते हैं तब ये इतना अच्छा एक्टिंग कर देते हैं कि इनको 40 दिन तक लगातार डायरेक्टर शूट करवाता है, और अब जाके अगर आप भूल भुलैया देखिएगा तो एक टाइप ऑफ लीड रोल में ये नजर आएंगे, और ये सच में ह्यूज अचीवमेंट है, एक यूट्यूब से फिल्म तक जाना, और फिल्म में भी उतने बड़े फिल्म में जाना, और उतने बड़े फिल्म में भी जाके उतना लंबा एक्टिंग कर लेना, और ये सब हो पाया है बस यूट्यूब की वजह से। और ये खुद ये छोटे मियाँ जो हैं वो एक पॉडकास्ट में रिवील करके बताए। तो 4 दिन का ही शूट था मेरा, तो मेरे कुछ सीन हुए उनके साथ, कार्तिक भाई के साथ, तो सडनली सेट पे सबको अच्छा लगा, अच्छा। वो केमिस्ट्री नज़र आने लगी जी, कार्तिक भाई और मेरी, और अनीस सर को भी काम अच्छा लगा। तो पता नहीं क्या अनीस सर के दिमाग में, कार्तिक भाई के दिमाग में ऐसा आया कि चलो इस कैरेक्टर को आगे खींचते हैं। वाह। तो 4 दिन से सीधा 40 दिन कर दिया। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं पूरे दुनिया का सर्वे, और ये सर्वे हुआ है डिवोर्स यानी कि तलाक को लेके, कि सबसे ज्यादा तलाक किस देश में होता है और सबसे कम तलाक कहां होता है, और लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 पे है इंडिया जहां पे बस 1% तलाक होता है, दूसरे नंबर पे है वियतनाम जहां 7% तलाक होता है, तीसरे नंबर पे खैर देख लो लिस्ट यही पे है। और जानते हैं दोस्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक कहां होता है? पुर्तगाल में, जहां पे 94% यानी कि किसी का शादी नहीं टिकता है भाई। अगर 100 आदमी शादी किया है तो 94 आदमी अपन कह रहा कि ना नहीं है शादी का मेरा मूड, और वो लोग अपने रास्ते, ये लोग अपने रास्ते, ठीक है यार चल के वहीं बस जाया जाए। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं एमपी का एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। होता ये है एक पत्नी जो है वो एकदम हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है अपने पति को लेके, उसके पति को चोट लग गया होता है, और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसका पति सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद जानते हैं क्या होता है, हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी होते हैं उस औरत से उस बेड को साफ करवाते हैं जिस पे उसके पति को लिटाया गया रहता है, और वो औरत जो है वो 5 महीना से पेट से थी। खैर चलो अब आपका मूड थोड़ा सही कर देते हैं और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। बड़ा मास्टर साहब लोग परेशान किए हैं रिजिंग वाले कि हाई कर लो हाई कर लो, हाई कहाँ त्रिभुज है तो हाई कहाँ क्यूब बन रहा है, मास्टर साहब से पूछ के बताओ इस सवाल का जवाब। मैं तो रीजनिंग के सभी मास्टरों को टैग करो और उनसे पूछो कि इस टावर में कितने त्रिभुज हैं।